नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का मशहूर वो मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्मे आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्ला कादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर यह है कि आज YSRCP के उम्मीदवार AMD इम्तियाज़ साहब ने अपने कैनवसिंग यानि डोर टू डोर घर घर मुहिम तीसरी वार्ड में चलाई। इस मौके पर उनके साथ MLA SV मोहन रेड्डी, कारपोरेटर खदर बाशा के अलावा कारपोरेटर यूनुस बाशा, कारपोरेटर रियाज बाबा और दीगर बहुत सारे एक्स कारपोरेटर्स कायदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये मुहिम डोर टू डोर कैंपियन GK स्वीट्स स्ट्रीट से आगाज़ की गई। साग मंडी में भी इसका जो है ये यात्रा मुनक़िद की गई। इस मौके पर काफ़ी अहमियत की बात ये रही कि NRI कायद मोईद खान जो अमेरिका से आए हैं YSRCP को सपोर्ट करने के लिए, इम्तियाज़ साहब को जिताने के लिए, वो भी देखे गए, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। इस मौके पर बहुत सारे कायदीन ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। बहुत सारे चाहने वालों ने AMD इम्तियाज़ साहब का इस्तकबाल किया। सैकड़ों की तादाद में लोग YSRCP को सपोर्ट करने के लिए खुद ब खुद आते नज़र आए। इस मौके पर AMD इम्तियाज़ साहब ने काफ़ी खुशी का इजहार किया। मीडिया से बातचीत करते हुए AMD इम्तियाज़ साहब ने कहा कि YSRCP हुकूमत की जानिब से, वैस जगनमोहन रेड्डी की जानिब से जो स्कीमात दिए गए हैं, उन स्कीमात की वजह से बड़े पैमाने पर हुकूमत कामयाब होगी, क्योंकि जिनमें सबसे ज़्यादा मकबूल स्कीम जो है अम्मावड़ी है, अम्मावड़ी चयुता और इसी तरीके से विद्या दीवना के मुताल्लुक उन्होंने बात कही, हैंडीकैप्स के स्कीम्स के ताल्लुक से उन्होंने बात कही। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि स्कीमात की वजह से YCP हुकूमत बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल करेगी और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि करनूल की सीट तीसरी मरतबा YSRCP के हक़ में ही आएगी। इस मौके पर BV रामैया MP कैंडिडेट उम्मीदवार भी देखे गए। उन्होंने भी अवाम से अपील की कि अवाम बड़ी तादाद में YSRCP को वोट देकर कामयाब करें। इस मौके पर SV मोहन रेड्डी ने बताया कि वैस जगन मोहन रेड्डी हुकूमत की जानिब से जो स्कीमात दिए गए हैं वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी रियासत में उस तरीके के स्कीमात नहीं हैं, लिहाजा उन स्कीमात की वजह से YCP हुकूमत बड़ी मेजॉरिटी के साथ कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि अवाम वालेहाना इस्तकबाल कर रही है, जब डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है, डोर टू डोर तशहीर की जा रही है, तो खुद ब खुद लोग आगे बढ़कर कह रहे हैं के वोट YCP के हक़ में ही होगा। आप देखिए खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्ला खादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तियाब हो सके। इस मौके पर दिलशाद लब्बे मेयर फैमिली और दीगर YSRCP के चाहने वालों ने बज़्म आईना से बातचीत की और YSRCP के हक़ में वोट देने की अपील की। I'm gonna go get some more.
कर्नूल की मशहूर शख्सियत सेठ ने भी वाईएसआरसीपी के हक में वोट देने की अपील की थी। हमारे इम्तियाज बादशाह डॉक्टर इस्माइल के दामाद थे, उन्होंने वाईएसआरसी थे नहीं कर्नूल में, उनको ज़्यादा वोटा डाल को जिताना, अच्छे काम करती, अच्छे आदमी हैं, नाम वाले आदमी हैं, उनकी ये टाइम फैन की निशानी को वोट डालो भाई। तुम्हें तेल देशम बोले बेकार है, तेल देशम को वोट डालना, तुम्हें वेस्ट तो तेल देशम को डाले तो सीधा से दो मिलको है, साइकिल को डाले तो बीजेपी को डाले, सर मुसलमान सोते हो दिल को हाथ लगो सोते इंतजार पर सा वोट डाला हो, तुम्हें बोले नहीं सकता फैन की निशानी रहो। नमस्ते ना, मूडो वार्ड इंचार्ज खादर बस शाहजान परवीन कॉर्पोरेटर का वार्ड डेवलपमेंट में चला अन्नी रखा मैं पार्टिसिपेट आलमोस्ट आल एवर पब्लिक मूडो वार्ड में प्रजा को विधा రోడ్లు కానీ డ్రైన్స్ కానీ కంప్లీట్గా ఈ కరెంటు స్ట్రీట్ లైట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ మేము ఫిల్అప్ చేసినాము. ఈ మాకు ఒక అవకాశం దొరికిన 2.5 సంవత్సరాలు బాగా కష్టపడినాము, కష్టమంతా ఈ ఎలక్షన్ల కోసమే. ఈరోజు మాకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్గా ఎంటీఆర్ సార్ గారు రిజైన్ చేసి ఇక్కడ రావడము ఆయన అది పెద్ద గొప్ప వరం మనకు. మాతో పాటు ఈరోజు మౌనడని కూడా చాలా కష్టపడుతున్నారు, కాబట్టి మేము ప్రజల్లో వార్డులో గర్వంగా తిరుగుతున్నాము. వార్డు ప్రజల సమస్యలన్నీ మేము పరిష్కారం చేసినందుకు కాబట్టి దీన్ని గర్విస్తున్నాము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారు ఇంతియాజ్ సార్ గారిని ఇంటింటికి ఇంతియాజ్ సార్ అని చెప్పేసి ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నాము, మాతో పాటు మౌనడని కూడా పాల్గొంటున్నారు. దీన్ని మేము చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. మా ఇంతియాజ్ సార్తో ఇంతకంటే ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడి భారీ మేరకు గెలుస్తామని మేము కోరుకుంటున్నాము మా వార్డు తరఫున. అవి కర్నూలు మే పుణ్యతో కిదర్బి జాయతో జగన్మోహన్ రెడ్డి సాబ్ క్యా స్కీమ్స్ ఓటర్ వాళ్ళ బోల్ రే ఆప్కు మేరా ఘర్కు అమ్మఒడి ఆయే ఆసరా ఐసా మేరా ఘర్కు 3 లాఖ్ ఆయే 4 లాఖ్ ఆయే హర్ ఘర్ మే ఆరోగ్యశ్రీ ఆయే ఐసా జాదా ఆద్మీ మేరా ఘర్కు ఇత్నే పైసా ఆయే ఉత్నే పైసా ఆయే ఇత్నే కామ్ కరే ఇత్నే ఉత్నే కామ్ కరే హర్ దిన్ వాలంటీర్ ఆయే హమారా ఘర్ మే కోయి కామ్ ఆయితే ఉన్ పూచ్కే కామ్ కరే సచివాలయం జాయే తో కోయి సర్టిఫికేట్ ఉనే తో సచివాలయం జాయే తో ఆధా గంట మే సర్టిఫికేట్ దే రే ఉస్కే ఇత్నే కామ్ కోయి గవర్నమెంట్ మే అబ్ తక్ కోయి గవర్నమెంట్ మే ఇత్నే కామ్ కోయి నహీ కరే ఘర్ కు ఆకే కామ్ పూచ్కే కామ్ కర్నే కే వాలా కోయి స్టేట్ మే హై ఏక్ హీ హమారా స్టేట్ మే జగన్మోహన్ రెడ్డి జమానా మే యే స్కీమ్ చల్ రహే హై ఉస్కే వాస్తే హమ్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి నహీ ఛోడ్తే उनको जीतने के हम वोट डालते कोशिश भी करते हर गल घर में बोल रहे हैं। उन्हें उर्दू में बात करने के तकलीफ होता। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन कर्नूल के शहर में तीसरे वार्ड में जो है इंटिंटी के प्रचारम यानी कि घर घर पे जो है जाके जो है प्रचारम कर रहे हैं, कैंपेन चल रहा है। तो देखने वाली बात है ये है कि हर घर में जो है सब लोग गवर्नमेंट के स्कीम से जगनन्ना की सरकार की या हुकूमत की जितने भी स्कीम्स है वो स्कीम से मुतासिर है। सब लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, हर घर में आपको अम्मावड़ी का बेनिफिट फ़ायदा मिल रहा है या पेंशन का फ़ायदा मिल रहा है, या कई लोगों को घर घर का साइट दिया गया, कई लोगों को घर उनके शुरू की गए, और कई लोगों के कई बच्चों को जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर उनको जगनन्ना विद्या दीवना वस्ती दीवना
ये सब स्कीम्स की बेनिफिट मिल रही है। तो आज के दिन हर शख्स ये कह रहा है करनूल के शहर में कि हम लोग इसी सरकार को, इसी हुकूमत को फिर से दोबारा लाएंगे, और जगनन्ना को, जो हमारे हरदिल अजीज जो है हमारे लीडर, उनको फिर सीएम बनाएंगे। तो देखा गया तो मेरे जहन में या मेरे साथ जितने भी लोग आज फिर रहे हैं, तो इनके किसी के जहन में भी कोई भी शक नहीं है कि फिर से आंध्र प्रदेश स्टेट में फिर से जगनन्ना की सरकार आएगी, फिर जो है गरीबों को या मिस्कीन को जो भी स्कीम दे रहे हैं ये सब फिर चलेगी, और सब लोग खुश हैं, और इंशाल्लाह फिर और एक बार ये सरकार जरूर आएगी। जय जगन्नाथ।